आस्था का प्रतीक पौराणिक मंदिर के 150 मीटर की दूरी पर दर्जनों जानवरों के पाए गए अवशेष। जानकारी के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश। पड़ोस में बने गौशाला के बताए जा रहे पशु। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम, बीडीओ गोला, सीओ मितोली, थाना प्रभारी नीमगांव। मामला कोतवाल नीमगांव क्षेत्र के कस्बा सिकंदराबाद का है, जहां गौशाला में चार चौकीदार करते हैं जानवरों की देखरेख। चौकीदार रामचंद्र मालती देवी, चंद्रिका प्रसाद, रामरतन, बीडीओ गोला, विमल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कुल जानवर 107 थे, जिसमें 7 जानवरों की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, सेक्रेटरी राघवेंद्र प्रताप। एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने डॉक्टरों की टीम को बुलवाकर जानवरों का पोस्टमार्टम करवाया। बताया जो भी दोषी ठहरेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से श्याम सिंह। सर, रोशन नगर गौशाला के कुछ दूरी पर अवशेष पाए गए हैं, क्या है पूरा? ये इसमें गोवंश के वो थे, जिनको प्रॉपर जो तरीका है उसका गड्ढा खोद के दफनाने का, वैसी प्रक्रिया अपना के खुले में छोड़ दिया गया, और जो उनका कराया जा रहा है, जो कुछ लोगों ने अपना इसमें आक्रोश व्यक्त किया है हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा, तो हम लोग उसी जांच करा के देख रहे हैं कि ये गौशाला के हैं या बाहर के हैं, क्योंकि तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, गाँव वालों का, जिला के बाहर के भी पशु यहाँ पर डाल जाते हैं, किनारे का है। हिंदू संगठनों के द्वारा कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उसकी हम लोग प्रॉपर पीएम करवा रहे हैं डॉक्टरों की टीम से, अगर वो सत्य पाए जाएंगे तो जो भी इसके दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।